हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद संगीता। आज हम यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सिंपल सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 कप पानी डाला है और इसे हम गर्म होने देते हैं। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें 1 कप सूजी डाल दें और इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच नमक। और अब हमें लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर इस सूजी को पकाना है। सूजी थोड़ी देर में ही सारा पानी सोख लेगी और एक ये डो की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सूजी को लगातार चलाते रहें जिससे कि ये कढ़ाई में ना चिपके। और अब सूजी पक गई है, सूजी ने सारा पानी सोख लिया है और ये सॉफ्ट हो गई है, तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें जिससे कि ये हल्की ठंडी हो जाए। और जब सूजी थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बॉईल किए हुए आलू जिनको हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। और इसमें मैंने डाला है 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, बारीक कटी हुई 1 गाजर, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको घिस लिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ प्याज जिसे बारीक कट करके इसमें डाला है, और ये मैंने इसमें डाला है पालक, नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैंने यहाँ इसमें डाला है 2 चम्मच टमाटो सॉस। अब इस सब को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की जगह पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियाँ इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ज़्यादा डाल दीजिए और जो सब्जियाँ आपको पसंद नहीं हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। अब इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करें जिससे ये सारे मसाले सब्जियाँ सब आपस में मिल जाएँ। और इस तरह मिक्स करने के बाद अब मैंने ये एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाया है, इसे चिकना कर लिया है प्लेट को, और इसके ऊपर हम इस मिश्रण को रखेंगे। ये मैंने इस पर रख दिया है और अब हम इसे इसमें फैला लेंगे प्लेट में। आप चाहें तो वैसे इसकी ऐसे ही शेप बना सकते हैं, बट मैं यहाँ इसको फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये मैंने इसको इस तरह सेट कर लिया है, तो अब हम ऊपर से इस तरह इसको चिकना कर देते हैं थोड़ा। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं और 10 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, ये सेट हो गया है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ आप इसको अपनी मनचाही शेप में कट कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। ये मैंने पहले इसको लंबाई में कट किया है और अब हम दूसरी तरफ से भी इसे कट कर लेते हैं। इस तरह प्लेट को घुमाएं और फिर इसको कट कर लें। और अब मैं आपको ये निकाल कर दिखा देती हूँ एक पीस। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको निकाल लिया है। और इसी तरह हम सारे पीस तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि दूसरा पीस भी मैंने निकाल लिया है। और इस तरह इसके किनारे आप थोड़ा सही कर लीजिए हाथों से। और अब हम इसे यहाँ शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म किया है और इसमें हमें ये रख देने हैं। और यहाँ हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तब आप इनको पलट दें। एक तरफ से सिकने में इनको 2-3 मिनट लगेंगे और 2-3 मिनट बाद आपको इनको पलटना है। और इसी तरह सबको पलट दीजिए। ये अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है, नीचे से ये हल्के हल्के सिक कर तैयार हो गए हैं। और अब दूसरी तरफ से भी इनको आप सिकने दीजिए। दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट तक हम इनको सिकने देंगे,
उसके बाद एक बार और हम इनको पलटेंगे जिससे ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेना है इनको हमें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टेस्टी सूजी और आलू का नाश्ता पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इनको पलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर रही हूँ। इन्हें आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप पहले से ही बना के मिश्रण तैयार कर लीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए और जब आपके घर में गेस्ट आएँ तो आप उन्हें ये फ्राई करके गर्मा गर्म खिलाएँ। और अब ये सीख कर तैयार हैं और मैंने इनको निकाल लिया है और इन्हें आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।